क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप फिर अच्छे होंगे एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन की टाइप 2, और सेल डिवीजन की जो टाइप 2 होती है उसको हम लोग नाम देते हैं मियोसिस का। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बायो का ओवरऑल वीक का लेक्चर नंबर बायो 9, वीक आपके पास 4 है और लेक्चर आपका वीक 4 का आपके पास 1 है। वीक 4 का ये पहला लेक्चर है आपके पास। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एंड सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन कौन सी है हमारे पास, मियोसिस है। तो मियोसिस की सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी देखते हैं कि मियोसिस को डिस्कवर किसने किया था। जब मियोसिस की डिस्कवरी की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं 1876 में इसको डिस्कवर किया था ऑस्कर हर्टविग। 1876 में इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ऑस्कर हर्टविग। ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में सेल डिवीजन की एक और टाइप को डिस्कवर किया था, एंड दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज मियोसिस। अब मियोसिस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? जब मियोसिस की डेफिनेशन की बात आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वो वाली टाइप है जिसमें क्या होता है, अपेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल जिया है आपके पास, डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। अब ये एक पेरेंट सेल हम लोगों ने पढ़ा है माइटोसिस में जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में, लेकिन इस केस में ये एक पेरेंट सेल ए है अगर, तो ये आपके पास कितने डॉटर सेल्स में जाएगा, 4 डॉटर सेल में जाएगा। लेकिन फर्क क्या होगा आपके पास, विद अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इधर आपके पास 2 क्रोमोसोम है आपके पास, तो ये जो डॉटर सेल्स होंगे, हर डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो होगा आपके पास 1, लाइक दिस। तो हम लोग क्या कहेंगे, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वो वाली टाइप है जिसमें एक डॉट एक पेरेंट सेल आपके पास डिवाइड होगा इनटू 4 डॉटर सेल्स विद अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये एक पेरेंट सेल आ गया आपके पास ए, ये डिवाइड होते हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, 4 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, पेरेंट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं आपके पास, 2। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हर डॉटर सेल के अंदर वो कितने हैं आपके पास, 1, 1। इस वजह से हम लोग कहते हैं मियोसिस कौन सी सेल डिवीजन होती है। आल्सो हम लोग कहते हैं मियोसिस आपके पास रिडक्शन सेल डिवीजन होती है। कौन सी सेल डिवीजन होती है, रिडक्शन सेल डिवीजन। कि रिडक्शन सेल डिवीजन है आपको आपके पेपर में उम्मीद की जा सकती है कि एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। तो सेल डिवीजन मियोसिस में ये भी पूछा जा सकता है कि रिडक्शन सेल डिवीजन कौन सी होती है। तो रिडक्शन सेल डिवीजन को हम लोग किसका नाम देते हैं, मियोसिस का। अब चलते हैं इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच 2n चेंजेस इनटू n। 2n हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड को। क्या मतलब डिप्लॉइड का, ये एक सेल है इसके अंदर ये 2 क्रोमोसोम है, तो हम लोग सिंपल कहेंगे ये क्या है आपके पास, 2n। अब 2n चेंजेस इनटू n, n एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 सेल बनते हैं 1, 2, 3, 4। अब इनके अंदर एक एक क्रोमोसोम लगा, अब एक एक क्रोमोसोम जब हम लोग लगाएंगे तो इसको आसान उर्फे आम में हम लोग किसका नाम देंगे, एन का जी। तो हाउ वी डिफाइन अ टर्म, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ डिप्लॉइड आर 2n चेंजेस इनटू हैप्लॉइड आर n। इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देंगे, सेल डिवीजन की इस प्रोसेस या इस टाइप को भी हम लोग किसका नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देंगे जी मियोसिस का। ये वाली डेफिनेशन करें इन विच 1 पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स, और ये वाली डेफिनेशन करें इन विच 2n चेंजेस इनटू n, और ये वाली डेफिनेशन करें इन विच डिप्लॉइड चेंजेस इनटू, ये जो डिप्लॉइड होते हैं ये आपके पास चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, चेंज हो जाते हैं डिप्लॉइड चेंजेस इनटू हैप्लॉइड। इन तीनों डेफिनेशन में से जो आपको ईजी लगती है आप वो वाली डेफिनेशन कर सकते हैं। फिर ये जो मियोसिस होता है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेज में। कौन कौन सी 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है स्टेज आपके पास मियोसिस 1, और दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है आपके पास मियोसिस 2। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 को। तो चलते हैं मियोसिस 1, मियोसिस 1 को फिर हम लोग कहते हैं कि मियोसिस 1 कंप्लीट होगी आपके पास 4 सब स्टेजेस में। वही 4 जो सब स्टेजेस होंगी वो सिमिलर होंगी विद माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन कौन सी 4 सब स्टेजेस होंगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीरोफेज 1। ये 3 सिमिलर होंगी, ये सिमिलर होंगी आपके पास किसके तरह, सिमिलर ऑलमोस्ट 80% सिमिलर होती हैं विद माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोटिक डिवीजन की तरह सिमिलर होती है, लेकिन जो फर्क होता है वो किस में होते हैं आपके पास, पेरिफेज में। और जो पेरिफेज है वो आपके पास कौन सी है, फेज नंबर 1 इज प्रोफेज। तो मियोसिस 1 भी कंप्लीट्स इनटू 4 सब फेजेस व्हिच आर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मैंने आपको बताया प्रोफेज को छोड़ के जो
बाकी की तीन होती हैं मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, ये सिमिलर होती हैं ऑलमोस्ट 80% ये सिमिलर होती हैं विद माइटोटिक डिवीजन की सब फेजेस के साथ। और माइटोटिक डिवीजन की जो सब फेजेस होती हैं वो यही होंगी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलते हैं टेलीफेज की तरफ। बच्चे आपको ये समझ आ गया तो आपको सारे का सारा प्रोसेस समझ आ गया। अब प्रोफेज वन, प्रोफेज वन में जो पहला एमसीक्यू है आपके पास वो क्या है कि जो प्रोफेज वन है ये टोटल मियोसिस का कितने परसेंट टाइम लेती है, 90%। जो टोटल मियोसिस लेट्स सपोज अगर आपके पास कंप्लीट होता है 10 घंटों में, तो 10 घंटों में से जो 9 घंटे वक्त होगा वो कौन सी फेज लेगी आपके पास, प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस। मियोसिस की जो प्रोफेज वन होती है ये कंप्लीट होती है कितने टाइम में, ये पूरे मियोसिस का लेती है आपके पास 90%। इसमें होता क्या है, वही वाला मैकेनिज्म है। क्रोमेटिन्स, क्रोमेटिन्स किसको कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्रोमेटिन्स क्या चीज होती है, प्रोटीन्स हैं, कंडेंस्ड होती हैं, और कौन सी चीज विजिबल होती है, क्रोमोसोम। तो प्रोफेज चाहे माइटोसिस की हो या चाहे मियोसिस को, मियोसिस की हो, उसमें जो चीज विजिबल होती है वो कौन सी होती है आपके पास, क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं मियोसिस की जो प्रोफेज वन होती है उसमें क्या होता है जी, इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब सिमिलर क्रोमोसोम, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड अप हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म अ साइनेप्स। फिर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको किसका नाम देते हैं, साइनेप्स का। ये देखें ये सिमिलर क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड अप हो गए, इकट्ठे हो गए, ये आ गया आपके पास एक, ये आ गया आपके पास दूसरा। तो हम लोग क्या कहेंगे मियोसिस की प्रोफेज वन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे या जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे ये पेयर्ड अप होंगे, पेयर्ड अप हो गए, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देंगे, साइनेप्स। तो प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन में दो स्टेप्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, पहला साइनेप्स बनती है और जो दूसरा इवेंट होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। कौन सा होगा आपके पास, क्रॉसिंग ओवर। आइए देखते हैं जी क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। आफ्टर साइनेप्स, साइनेप्स बनने के बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये देखें ये रेड कलर वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये जो ब्लैक कलर वाले आपको दोनों नजर आ रहे हैं ये आपके पास कौन से क्रोमेटिड्स हैं जी, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। होता क्या है जब साइनेप्स बनती है, ये साइनेप्स है, ये साइनेप्स है, ये पेयर्ड अप होंगे, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये एक्सचेंज करते हैं देयर सेगमेंट्स, ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ डायग्राम में देखें रेड को मैंने नाम दे दिया ए का, ब्लैक को मैंने नाम दे दिया बी का। तो साइनेप्स बनने के बाद क्या होगा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे। जब वो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को किसका नाम देंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। फॉर एग्जांपल ये देखें ये रेड और ये ब्लैक, ये इस टाइम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये जब अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे ये वाला सेगमेंट मूव करके इधर जाएगा और ये वाला सेगमेंट मूव करके इधर आएगा, इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन में दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, साइनेप्स फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्स किसको कहेंगे, जब सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड अप होंगे, इकट्ठे होंगे, तब जो स्ट्रक्चर बनेगी देयर स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनेप्स। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे फिर जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को किसका नाम देंगे, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है क्यास्मा फॉर्मेशन। ये देखें ये रेड ये ब्लैक, इधर आप देखें तो इधर जो सेगमेंट है वो ब्लैक का आया हुआ है और इधर जो सेगमेंट गया हुआ है वो किस चीज का गया हुआ है, रेड का। इसका मतलब है कि साइनेप्स के बाद नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज किए हैं, फिर जो स्ट्रक्चर बनी है वो कौन सी बनी है आपके पास, क्यास्मा फॉर्मेशन। तो इस सारे को जब आप लोग समराइज करें प्रोफेज वन को, तो आप सिंपल कह सकते हैं जी प्रोफेज वन के अंदर होगा पहली चीज होगी आपके पास साइनेप्स, दूसरा जो इवेंट होगा वो होगा आपके पास क्रॉसिंग ओवर। अब साइनेप्स के लिए क्या चीज जरूरी है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर्ड अप होना। क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या चीज जरूरी है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेगमेंट पे एक्सचेंज करेंगे, ये आपके पास कौन सी चीज होगी, क्यास्मा फॉर्मेशन होगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा स्टेप पे आपके पास क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद जो सेल के अंदर चेंजेस आएंगी वो माइटोटिक डिवीजन की तरह सिमिलर होगी, मतलब वो वही वाली चेंजेस होंगी जो माइटोटिक प्रोफेज में आती है। कौन कौन सी होती है, अब माइटोटिक प्रोफेज को अगर आप लोग ज़हन में जरा लेके आए, अगर ये आपके पास सेल है, ये सेल के अंदर आ गया आपके पास न्यूक्लियस,
तो क्या होगा आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई है ये डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग कहेंगे जी ये डिसअपीयर होना स्टार्ट होगी, है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर होना स्टार्ट होगी। फिर सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 को होगा, और फिर कौन सी चीज बनेगी जी स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इनसे क्या चीज निकलना शुरू हो जाएगी आपके पास स्पिंडल फाइबर। तो बाकी सारी हुई वाली चेंजेस होती हैं जो माइटोटिक प्रोफेज के अंदर होती हैं, सिर्फ मियोसिस की जो प्रोफेज होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज होती है जी साइनेप्स फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्स किसको कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको डिटेल में समझा दिया है, लेक्चर को सुनेंगे, आपकी बुक में जरा डिफरेंट लिखा हुआ है, स्पेशली डायग्राम का पॉइंट ऑफ व्यू देखें। तो जब आप इस तरह हर स्टेप के साथ अलग अलग उसकी डायग्राम बना के शो करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी चेंजेस हैं वो सिमिलर होंगी, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, और इन सेंट्रियोल से कौन सी चीज निकलेगी स्पिंडल फाइबर। प्रोफेज वन खत्म, अब आ जाए जी मेटाफेज वन की तरफ। मियोसिस वन की नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट फेज है वो है आपके पास मेटाफेज। अब इसमें क्या होगा जी, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे एट मेटाफेज प्लेट। अब ये देखें यहाँ पे आए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है ताकि आपको बाद में क्लियर हो सके, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अपने आप को अरेंज कर देंगे कहाँ पे मेटाफेज प्लेट में। फिर क्या होगा जी, यहाँ से जरा टॉपिक स्विच होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच होगा विद वन क्रोमोसोम्स एट वन पोल। ये देखिए जी, ये एक क्रोमोसोम का क्रोमोसोम है, ये दूसरे एक ये स्पिंडल फाइबर आ रहा है आपके पास ये ब्लू कलर वाला, ये इस क्रोमोसोम के साथ इस पोल से अटैच हो रहे, और ये इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव स्पिंडल फाइबर है ये दूसरे पोल से जो आ रहा है ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहे। तो यहां अगर मैं क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता हूं तो मुझे इधर ही आप लोग बताएं कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये आपके पास सेल बन गया, एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम आपके पास नीचे आ जाएगा, जब एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया एक क्रोमोसोम नीचे आ गया, दरमियान में इस तरह की माइटोटिक प्लेट बन गई, इसका मतलब है सेल तो दो पार्ट्स में सॉरी न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया। जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आपके पास 2 था, यहाँ पे कितना रह गया 1, 1, इसका मतलब है इसी को हम लोग किसका नाम देते हैं रिडक्शन डिवीजन का। देखें यहाँ पे क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर होगा वो एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा एक पोल से, और दूसरा जो होगा आपके पास स्पिंडल फाइबर वो अटैच्ड होगा विद अदर क्रोमोसोम, दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होगा। जिस तरह डायग्राम की मदद से आप देख लें, ये सेंट्रियोल्स आ गए, ये सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, ये सेंट्रियोल से ये वाला स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, तो ये इस क्रोमोसोम के साथ एक पोल से अटैच्ड हो रहे हैं, फिर इसके अल्टरनेटिव ये स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, ये दूसरे पोल से दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है मेटाफेज प्लेट में, जब मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेज प्लेट के ऊपर अटैच करेंगे तो एक डायरेक्शन से आने वाले स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होंगे, और दूसरे डायरेक्शन से आने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होंगे। तो इस तरह की डिवीजन को हम लोग किसका नाम देंगे, मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस वन। तो इतने ही, ये जरा कंफ्यूजिंग भी और मुश्किल भी है, इस वजह से लेक्चर को हम लोग लिमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपका ये वाला मियोसिस वाला जो मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपका जो होमवर्क है जो करने के बाद आप अपने कैंपस में टीचर्स को चेक करवाएंगे वो है आपका जी प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, कि मियोसिस वन की प्रोफेज वन को जिस तरह आपके पास बोर्ड में प्रेजेंट किए हुए इस तरह कॉपीज पे प्रेजेंट करने के बाद टीचर्स को जमा करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो इंशाल्लाह मियोसिस को कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, वस्सलाम।